मैं क्या क्या सामान लाई हूँ ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये सूज है, ये सूज पहनाऊंगी मैं बाबू को तैयार करने के बाद। उसके बाद ये मुकुट है, ये मुकुट है, मुकुट जो है इसको मैंने यहाँ पे मोर पंखी मैंने खुद लगाया है। बाकी मुकुट जो है मैं मार्केट से लेके आई थी, ठीक है। और ये आलता है जो पैरों में लोग लगाते हैं, खासकर यूपी बिहार के लोग लगाते हैं, तो ये मैं उसके पैरों में हाथों में कलर करूँगी। ये लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक मैं बाबू के उसमें लगाऊँगी, लिप्स में, मतलब उसको मेकअप करने के लिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चों को मेकअप से थोड़ी एनर्जी होती है। ये है काजल, ये काजल है, काजल मैं अब घर में ही बनाती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो ये काजल भी मैं यूज़ करूँगी। ये कुमकुम है, कुमकुम मैं वहाँ से, मतलब मीशो से मंगवाई थी ऑनलाइन, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। और ना ये बाबू को टीका, मतलब जो टीका छोटे छोटे टीके लगाते हैं ना उसके लिए काम यूज आएगा। ये बांसुरी है, ये बाबू की पिछले साल की बांसुरी है, इसने खेला तो मगर तोड़ा नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पे लेस लगा के नॉर्मल सा ऐसी ही इसको तैयार कर दिया है मैंने। ये क्लेचर है, इसको इसके बाल बड़े हैं ना पीछे से क्लेचर, बाल खुले करके लगाऊंगी बालों में। ये तो पता ही होगा, ये मेकअप का सामान है, आई शेडो वगैरह है, तो ये बाबू को मैं यूज करूँगी उसके चिक्स पे, उसके आईज पे लगाने के लिए, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं। ये है हाथ में पहनाने के लिए, मतलब भगवान को पहनाते हैं वैसे तो, बट मैं बाबू को हाथ में पहनाने के लिए लाई हूँ, मुझे अच्छे लगे। उसके पास है ये, मतलब उसके पास है चांदी का है हाथ में पहनाने के लिए, बट वो भी पहनेगा ये भी पहनेगा, अच्छा लगेगा ना, जितने ज़्यादा सामान रहता है उतना अच्छा लगेगा पहनाने में। ये बिंदी है, ये बिंदी मैं यूज करूँगी टीके के लिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें वैसे लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए मैं इसको यूज करूँगी। ये कंधे पे है, इसको मैंने खरीद तो लिया बट ये कंधे पे काम ही नहीं आएगा क्योंकि फुल बाजू के कपड़े पहनाऊँगी मैं उसको, इसलिए ये भी मैंने ले लिया। ये है कान का, इसको कान का, मतलब इसको अलग करके ऐसे कान में इसको लगा देंगे, ये भी मैं लेके आई थी मार्केट से। बिंदी से हो जाता काम बट मैंने यही ले लिया, मैंने कहा यार ले लेते हैं, रोज रोज थोड़ी कृष्णा बनते हैं बच्चे। ये है मैं बाबू की चोटी बनाने के लिए इसको यूज करूँगी, ये मैं बाबू के लिए लेके आई थी मार्केट से, ये देखो अच्छा है ना, है ना, है ना अच्छा है ना। ये मैं मार्केट से लेके आई थी बाबू के लिए। ये मैं यूज करूँगी, अगर अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं निकाल दूँगी बस। फिर अब हम मिलेंगे जब बच्चों, जब मैं अपने बाबू को कृष्णा बना लूँगी उसके बाद हम मिलेंगे। ओके बाय। हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है आज जन्माष्टमी है, तो मैंने जन्माष्टमी का फास्ट रखा है और मैंने अपने बेटे को कृष्णा बनाया है। यस, तो फिर इसलिए फिर मैं आपको अपने बेटे को दिखाती हूँ कि मैंने अपने बेटे को कृष्णा कैसे बनाया। बाबू आ जाओ, खड़े हो, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। वो मेरे पीछे छुपा था, मैंने उसको कहा था छुप जाना, ये देखो। हाय गाइस, देखो हाय कर दो सबको, नमस्ते कर दो, नमस्ते बोलो, राधे राधे, थोड़ा पीछे चलो बेटा, हाँ अब बोलो राधे राधे, बोलो मैं कैसा हूँ, बोलो मैं बाबू हूँ, हाँ ए बाबू बेटा, ये अपनी, अब ये अपनी बांसुरी बजाओ, इसको बजा के दिखा दो सबको, बजा के दिखा दो, बजा दो, ये क्लैपिंग, ये मेरे बेटे ने बना, मतलब बांसुरी बजा दी। तो अब आप बताएं मेरा बेटा कैसा लग रहा है, और मैंने इसके लिए क्या क्या सामान यूज में किया था, मैं आपको सबका वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। फिर सब इंजॉय कीजिए, क्योंकि शाम हो, मतलब सुबह मैं बाबू को रेडी कर दी थी, तो फिर अब इसको मैं उतार दूंगी क्योंकि बेटा थक गया है, और फिर मेरा भी फास्ट है तो मेरे को, मतलब मैं भी थक गई हूँ। सो फिर अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं आपको इसकी बहुत अच्छी अच्छी पिक्स आपको मैं, मतलब इस पर वीडियो में ही शेयर कर दूँगी, सो आप देख लेना।
ठीक है, ओके बाय, हैप्पी जन्माष्टमी, नमस्ते, राधे राधे, बाय फैमिली, आप भी अच्छे से जन्माष्टमी मनाना, खूब सारी दही खाना, मक्खन खाना, ओके, तो नमस्ते, बाय फैमिली। सो गाइज, आपको आगे की वीडियो तो देख ही ली है, अब मेरे बेबी के फाइनल लुक देखिए।